नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। डबरा बिना पर्ची और राशन कार्ड वाले हितग्राहियों को आधार कार्ड देकर प्रति परिवार दिया गया 10 किलो फ्री गेहूं, आज वितरण किया गया। विश्व भर में फैली महामारी नोबल कोरोना वायरस के चलते सरकार ने प्रदेश में रह रहे ऐसे लोगों को भी राशन देने की घोषणा की थी, जिन पर एपीएल बीपीएल कार्ड राशन पर्ची में से कुछ नहीं है। ऐसे ही लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया था, जिन्हें आज शासकीय खाद्यान्न की दुकानों से राशन वितरण किया गया है। राशन वितरण का काम डबरा अनुभाग में स्वयं जनपद पंचायत सीईओ कुलदीप श्रीवास्तव ने अपने मॉनिटरिंग में करवाया। वहीं पर कुछ ऐसी जगह पर हितग्राही ज्यादा देखे और राशन कम था, तो वहीं मौके पर जनपद सीओ ने अगल बगल की पंचायतों से एडजस्टमेंट कर यहां जरूरतमंदों की संख्या ज्यादा देखी है। वहां राशन पहुंचा, साथ ही साथ वितरण भी कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। जो भी गरीब, बेसहारा, बेघर या बाहर से आए हुए फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए शासन ने 10 किलो प्रति परिवार के हिसाब से राशन की व्यवस्था की है और उसी का जो है वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है सभी पंचायतों में, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और ऐसी कठिन परिस्थितियों में विषम परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। सर, जैसे कि अभी आपके द्वारा निर्देशित किया गया कुछ और राशन बढ़वाने की मांग यहाँ पे देख के आपके द्वारा की गई, सर क्या था? देखिए क्या है, एक जाहिर रूप से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक के लिए 300 क्विंटल राशन की आवंटन प्राप्त हुआ है, तो विभिन्न पंचायतों में कम और ज़्यादा मांग को देखते हुए इसको एडजस्ट किया जा रहा है। जो बड़ी पंचायतें जहाँ ज़्यादा मांग है वहाँ ज़्यादा लोगों के लिए हम किसी अन्य दुकान से, उचित मूल्य की दुकान से इसको एडजस्ट कर रहे हैं। इसमें आवंटन पूरे ब्लॉक के लिए पहले से ही प्राप्त हो चुका है, उसको बस एडजस्ट करना है मांग के। ठीक है।